हेलो फ्रेंड्स, ये मीठी नमकीन मटरी बनाई हुई है और ये मोस्टली टी टाइम के लिए यूज होती है और इसको बना के स्टोर कई दिनों के लिए रखा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये होली स्पेशल में ये नमकीन बना रहे हैं। तो इसके खास इंग्रेडिएंट यही हैं। ये देखिए, ये धनिया पत्ता डालना है, ये खड़ी धनिया है, ये चीनी है थोड़ा सा एक स्पून, और ये सौंफ है दो स्पून होगा ये, और ये एक टीस्पून चाय पत्ती वाला ये गरम मसाला है, ये मक्के का आटा है हमारा, इसको चाट मसाला, ये चाट मसाला डालेंगे, ये फूड कलर हम यूज करेंगे थोड़ा सा, ये अदरक है इसको ग्रेट करके डालना है, और ये हरी मिर्ची आप अपने अनुसार डालिए, रेड चिली पाउडर भी डालना है, लेकिन अगर ये ज़्यादा डालेंगे तो वो कम करेंगे, और मोयन में बेसन वो मैदे में आप घी या रिफाइंड मिला लीजिएगा, बस और कुछ नहीं। तो चलिए इसको हमें रोस्ट करके थोड़ा फिर इसको ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, इसमें मैंने चीनी भी, सौंफ, धनिया, ये सारे चीज मिला के इसमें मैंने ग्राइंड कर लिया है, और इसमें थोड़ी सी ये हल्दी डाल देंगे, इसके बाद में ये थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अब इसमें चाट मसाला डाल देंगे, बस अब इसको जब हम वो मैदे का वो रोटी बेलेंगे फिर इसी को घी लगाएंगे। ये देखिए, मैदे में मैंने मोयन मिला लिया है, और इसको ये टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, एक पार्ट में हम ये फूड कलर मिलाएंगे और एक पार्ट में सादा पानी से इसको डो लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा कलर बनके तैयार हो गया, जो ऑरेंज कलर मिलाया था इसका डो तैयार हो गया, और ये वाले में इसमें हमें नमक मिला देना है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा कसूरी मेथी है, इसको क्रश करके मिक्स कर देना है, अब इसको सादे पानी से डो तैयार कर लेना है। ये जो मसाला पाउडर बनाया था उसमें हम लास्ट में क्या करेंगे, एक चम्मच घी डालेंगे, ताकि ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा और गिरेगा भी नहीं। ये देखिए, ये कलर वाली मैंने रोटी बेल ली है, और इसके ऊपर ये व्हाइट वाली लगा देना है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी मिक्स किया है, अब इसकी लेयर इसको बिछा देनी है। ये इसकी लेयर मैंने बिछा ली, जो मसाला बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके अब इसको फोल्ड कर लेंगे, ये रोल कर लिया, अब इसको पतली पतली स्लाइस में कट कर लेंगे। ये देखिए, ये एक है इस, अब इसी को इस तरह से दबा देंगे, ये दब गया, ये मैदे का घोल है, इसी को हम इसमें डिप कर लेंगे और फिर फ्राई करेंगे इसको। ये देखिए, इसको फिंगर से आप इसको राउंड शेप दे दीजिए, और ये जो मैदे का घोल है इसको डिप करके ये देखिए, मेरा धीमी आंच में इसको सिम करके इसको फ्राई कर रहे हैं, अब ये लगभग मेरा हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, मेरी बन के रेडी हो गई है, नमकीन भी है और थोड़ा भी चीनी मिली है, इसलिए वो मीठी भी है, नमकीन मीठी दोनों। ओके।